झारखंड सरकार ने सेविका सहायिका आंगनवाड़ी सेविका मान की ग्राम प्रधान और मुंडा को दिवाली गिफ्ट दिया है। सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में इन सभी के वेतनमान में वृद्धि की गई है। सीएम रघुवर की कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। धनतेरस पर झारखंड की रघुवर सरकार ने धन वर्षा की है। अब मानकी को 3000 रुपए, ग्राम प्रधान को 2000 रुपए और मुंडा को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने तीनों के मानदेय में वृद्धि और इंसेंटिव में वृद्धि की है। सेविका के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं सहायिका के मानदेय में 750 रुपए और लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 1250 रुपए की वृद्धि की गई है। केंद्र प्रायोजित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को जिन्हें वर्तमान में 4400 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है उन्हें 5900 रुपए प्रति माह मानदेय भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिन्हें वर्तमान में 2200 रुपए प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाता है उन्हें मानदेय वृद्धि के फलस्वरूप 2950 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका जिन्हें वर्तमान में 2950 रुपए भुगतान किया जाता है उन्हें 4200 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं को पोषण अभियान के अंतर्गत 250 रुपए प्रति माह उनके कार्य प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को पोषण अभियान के अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह ICDS-CS के प्रयोग हेतु कार्य प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सभी वृद्धि 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होंगी। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है झारखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों इस तरह की न्यूज हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे कि हमें हौसला मिल सके, हम इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।